हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुकिंग विद ऋषा में। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की खीर, और मैं इसे नवरात्रि व्रत के लिए बना रही हूँ कि जिस दिन मेरे बच्चे व्रत रहते हैं उस दिन मैं ये खीर ज़रूर से बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें ये खीर बहुत पसंद आती है। और ये बनाने में इतनी आसान है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता बनाने में और फटाफट से बन जाती है, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जो कद्दू नहीं खाते हैं उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कद्दू लिया है। वैसे तो इसके लिए पका हुआ कद्दू खीर के लिए अच्छा रहता है, तो आज मेरे पास हरा कद्दू है तो मैं इसी की बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसे हम काट कर इसका जो छिलका होता है मोटा वाला उसे निकाल देंगे, और इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और आप अगर चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर इसका जो मोटा वाला छिलका है उसे निकालना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे ग्रेट नहीं किया है, मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और काटने के बाद इसे हम एक बार अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे, और धोने के बाद इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आधा कप पानी ही डालेंगे। और ढक्कन लगाने के बाद इसे 2 से 3 विसल आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो 3 विसल हो गई हैं, तो अब इसे हम खोल करके चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कुमड़ा गल गया है अच्छी तरीके से, पक गया। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक छन्नी पे, और अब एक बड़ी चम्मच ले लेंगे और उससे हम इसे प्रेस करके इसे मैश करेंगे, और इसका जितना भी पानी होगा वो सारा कुछ निकाल देंगे। तो इसमें अच्छी तरीके से इसको दबा करके हम इसे मैश कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए इसका जो पानी है इसका निकल गया है, और ये अच्छी तरीके से मैश भी हो गया। तो और ये जो इसका पानी बचा हुआ है इसे हम अलग कर देंगे, और हम गैस पर एक बर्तन को चढ़ाएंगे। फुल फैट मिल्क लिया है, तो आधा लीटर दूध हम इसमें डालेंगे और इसे उबालने के लिए रख देंगे, और थोड़ा सा इसे हम चला देंगे जिससे कि ये तली पे चिपके नहीं। दूध को हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से उबलने देंगे, जिससे कि दूध में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए, और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो ये दूध उबल गया है अच्छी तरीके से, थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया है। तो इसमें हमने जो मैश किया था कद्दू उसे डाल देंगे, और अब इसे चला करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर कोई पीसेस बड़े रह जाएं तो आप उसे दबा करके उसे मैश कर दीजिए। और अब इसे 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से पकने देंगे, और इसमें बहुत ही सौंधापन आ जाता है इस खीर में, और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे ताकि ये चीनी के साथ भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी डाली है, करीब 100 ग्राम है। तो ये ज़्यादा मीठी नहीं होती है, कम मीठी मैं बनाती हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कद्दू में भी थोड़ी मिठास रहती है, तो इतनी चीनी पर्याप्त होती है। और अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची ली है काली वाली, और इसे मैंने इसको कूट करके इसका हम पाउडर बना लेंगे इलायची का। और इसे बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है इस तरीके से। और ये खीर भी अब गाढ़ी हो चुकी है, तो इलायची पाउडर अब हम डालेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा भूंज कर डालेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घी डाल करके इसे गैस पर हम चढ़ा देंगे, जैसे हम तड़का लगाते हैं ना उसी तरीके से इसे हमें तड़के की तरह बना लेना है। और जैसे हम सब्जियों में छौंक लगाते हैं वैसे हम इसका छौंक खीर में लगाएंगे, और इसको ज़रूर से डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बस 1 से 2 मिनट तक और इसे उबाल लीजिए, और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और ये देखिए बढ़िया सी खीर हमारी तैयार है। तो व्रत में आप इसे बनाकर खा सकते हैं, या मीठा खाने का मन हो तो बिना व्रत के भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और आप इसे चाहे गरम सर्व करें या ठंडी भी खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप मेहमानों के लिए भी बनाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ की खीर है, और ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और आप चाहें तो इसमें मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये खीर ऐसे ही अच्छी लगती है। और बाकी सबके लिए मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें
ताकि इसी तरह की और भी नई रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।